फर्रुखाबाद कानपुर फर्रुखाबाद कासगंज मथुरा रेल खंड पर विद्युतीकरण का कार्य दिसंबर 2018 तक पूरा होगा और यदि देरी हुई तो मार्च 2019 तक विद्युतीकरण का कार्य अवश्य पूरा होगा। इसके पूरा होते ही कानपुर फर्रुखाबाद कासगंज मथुरा रेल खंड केंद्रीय रेलवे मानचित्र में आ जाएगा। यह बात इन ई रेलवे इज्जत नगर के ADRM आशीष कुमार अग्रवाल ने फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने के बाद रेलवे स्टेशन के गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान बताई। श्री अग्रवाल ने बताया कि अंत्योदय एक्सप्रेस के कमर्शियल स्टाफ के लिए रेलवे बोर्ड को दिख गया है। श्री अग्रवाल ने बताया कि इन लाइन का विद्युतीकरण होने से कई नई ट्रेनें शुरू होने की उम्मीद है। बरेली के लिए ट्रेन न होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वर्ष 2012-2013 रेल बजट की कानपुर अमृतसर साप्ताहिक एक्सप्रेस इस लाइन पर जल्द शुरू होगी। बुकिंग विंडो में महिला विंडो के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जल्द ही महिला विंडो शुरू की जाएगी। फर्रुखाबाद से मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट। क्या पूरा दर्शन दिवस में किस तरह से रहा, कितने आए? आज जो है लगभग 154 प्रार्थना पत्र आए हैं जो कि राजस्व विभाग बिजली विभाग और पूर्ति विभाग से संबंधित मैक्सिमम, उसमें लगभग 27 प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया जो भूमझरी संबंधित बारिश के थे और जो डिमांड डरा रहे थे और उसमें से कुछ का समाधान भी हो चुका था, शिकायतकर्ता को नहीं पता। सर एक मामला आया है खानपुर का तालाब का, उसमें सर क्या रहा है? अब प्रकरण संज्ञान लिया है, तहसीलदार साहब को जांच अधिकारी इसमें बना दिया गया है, जांच करते हुए कार्रवाई की। शहर में स्लाटर हाउस बंद है, उसको चालू कराने के लिए इस संबंध में प्रकरण आया है, इस संबंध में बैठक होगी हम लोग नगर पालिका के स्तर से और जो भी प्रक्रिया बना के इसमें कार्रवाई की। 27 टोटल कितने आए थे सर? टोटल कितने आए?